जीव भूत महाभाव जयदम धार देते जब। ये जो प्रकृति परा प्रकृति जीव है ये दुनिया को भोग कर रहे हैं, भोगता तो नहीं, भोग के लिए प्रयत्न करता। सब कोई चाहते हैं दुनिया का चीज हम खूब भोग करें, इसलिए कहते हैं उनकी ज्ञान है, उनकी बुद्धि है, इसलिए उनको परा प्रकृति का कहा जाए। तो जीव परा प्रकृति, जीव भी प्रकृति बाकी परा प्रकृति। ये भूमि पांच भौतिक जो चीज है ये अपरा प्रकृति, और जीवात्मा जो है परा प्रकृति, बाकी प्रकृति पुरुष नहीं। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, और प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या। तो भगवान पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान पुरुष। ये भगवान का ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो कुछ है ये सब भगवान का भोग्या है, भगवान इसको भोग करेंगे। और जो जीव समझता है कि मैं भोगता हूं, इसका नाम ही है मान। और भगवान पुरुष है, और ये जरा प्रकृति और चित प्रकृति दोनों ही भगवान का भोग वस्तु है। तो हम लोग ये जब भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण भोगता है और मैं जब भोक्ता बनने के लिए प्रयत्न करता हूं, उसका नाम है माया। वही माया का चक्र, जो चीज मैं है नहीं उसको कृत्रिम भाव से आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग टू डू, एंड दैट इज कॉल्ड माया। वी आर नॉट भोक्ता, भोक्ता एकमात्र भोक्ता भगवान, भोक्ता हम जगदवसाम सर्वलोकमयश्रम। तो भगवान तो सर्वलोकमयश्रम, क्योंकि भगवान की प्रकृति से जो कुछ है दुनिया में सब कुछ बनी हुई है। दुनिया में है क्या चीज, यही भूमि रूप अनर वायु, इसको मिला मुला करके के एक चीज खड़ा कर देते हैं बस। तो वो तो भगवान का है, और आगे जाके भी भगवान बता देंगे, यह भी बताया है कि जीव है ये भी हमारी प्रकृति है। तो मैं भी भगवान का और दुनिया भी भगवान का है, तो हमारा उचित क्या है जो भगवान जिस तरह से हमको भोग कर सके उस काम में लग जाने से ही हमारी मुक्ति। मुक्ति का अर्थ यही होता है कि स्वरूपे न अवस्थिति मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम। ये जो हम प्रकृति है और पुरुष होने के लिए जो हम प्रयास करते हैं यही हमारा बंधन का कारण माया। और यदि मैं प्रकृति प्रकृति रूप से भगवान की भोग्या हो जाते हैं तो उसका नाम है मुक्ति। और कुछ मुक्ति और कुछ नहीं, स्वरूप में अवस्थित न, क्या मैं प्रकृति हूं और भगवान पुरुष है, तो मैं भगवान की भोग्या। इसलिए भगवान जिस तरह से हमको भोग करने को चाहे, जिस तरह से हमको हुकुम करे, उस प्रकार हम काम करें, तो भाई हमारा वो मुक्ति है और कुछ नहीं। मुक्ति कोई अलग चीज नहीं है। थोड़ा समझ के देखिए, अपरायम इतस्तु अन्यान प्रकृति में विधि में परा जीव भूतान महाबाहो जयदम धार्यते। ये जो जीव है जीव प्रकृति, बाकी पुरुष होने पुरुष का नकल करके इस दुनिया में भोग करने को चाहते हैं, इसलिए ये इतना झगड़ा। आपसे आपसे झगड़ा का कारण क्या, या आप भी प्रकृति मैं भी प्रकृति भगवान की भोग्या वस्तु, परंतु माया जाल में फंस करके मैं भी पुरुष होने को चाहता हूं आप भी पुरुष होने को चाहते हैं, इसलिए आपसे हमसे झगड़ा। अगर उभय हम लोग दोनों ही समझ जाए कि भाई हम तो भोग नहीं कर सकते आप भी भोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपसे हमसे झगड़ा किया। जो भोग्य वस्तु भोग्या जो भोक्ता है वो तो भगवान है, इसलिए आप और हम सब मिलकर के भगवान को सेवा में लग जाए तो फिर झगड़ा का कोई बात ही नहीं, ये सब समझ सकते। इसलिए भगवत गीता अच्छी तरह से समझना चाहिए, और समझ करके
देखिए, यदि आप लोग अपना जीवन में किसी प्रकार काम करें हैं तो शांति है, तभी शांति मिलेगी। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारं जगदवसाम सर्वलोक महेश्वरम श्री राम सर्वभूतानां ज्ञात्या मां शांति। अगर शांति चाहते तो इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भोक्ता है भगवान और हम लोग भोग्या। ये एक चीज अगर हम लोग समझ जाए भोक्तारं जगदव भगवान भोक्त्या सर्वलोक महेश्वर सब जितने लोक है। हाँ, ये जो एक लोक है पृथ्वी लोक है भूलोक है भूवन लोक है जन लोक है महलोक है कपल लोक है अनंत कोटि लोक है। तो भगवान कहते हैं कि भोक्तारं जगदवसाम सर्व लोको महेश्वरम सब लोक का मालिक मैं हूं। यदि भगवान सब लोक का मालिक हुआ और फिर हमारा भोग वस्तु क्या रह गया, ये समझ सके। इसलिए भगवत भक्ति जो कृष्णा भावना मिलकर कि दुनिया में प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है। आदमी सब भूल से चल रहा है, वो जानते ही हैं झूठ मूठ लड़ाई झगड़ा अशांति ये सब बनाए हुए हैं और सब समय दुखी है। अब जब कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, जब कृष्ण को मान लें जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं आम अम्मा उनको सेवा, तो किसी भी अवस्था में उसे की रहे, किसी भी अवस्था कोई भी अवस्था। ये बात नहीं है जो धन रहने से ही सुखी रहेंगे और धन नहीं रहने से दुखी रहेंगे, ये बात नहीं है। हम लोग सब किस्म का आदमी से मिलता जुलता हूँ, बड़े बड़े धनी से भी मिलता हूँ तो वो भी दुखी है। सब यही आप लोग सब जानते हैं, सभी दुखी है। क्यों दुखी है? वो अपनी जो परिस्थिति है जो वास्तविक जो उनका स्वरूप है वो भूल गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव का जो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नित्य का ये नहीं है आज दास बन करके भगवत भक्ति करें कल खुद ही भगवान हो जाए, नहीं ये बात नहीं है। नित्य दास आज भी दास और मुक्ति होने का पश्चात भी दास, बाकी वो जो दास है वो स्वरूप है और ये जो दास है ये विरूप है। दास मैं है परंतु मैं समझता हूं कि मैं मालिक, सब कोई दास है। हम जितने आप लोग इधर बैठे हुए हैं देखिए कोई मालिक है, सब दास है। कोई दुकानदारी का दास है, कोई गवर्नमेंट सर्विस का दास है, कोई औरत का दास है, कोई मिनिस्टर का दास है, वो मिनिस्टर भी दास है, वो यानी जो कोई हो सब कोई दास है। अभी गवर्नर जब वो भी दास है, नेशन का दास है, उसको अगर वोट नहीं दिया जाए तो उसका नौकरी छूट जाए, तो सभी दास है। बाकी सब मानते हैं मैं मान, इसका नाम है मान। और कुछ कोई भी व्यक्ति हो तो दास है, बाकी वो भगवत दास स्वीकार नहीं कर, वो लोक का दास हो जाएगा, नेशन का दास हो जाएगा, घर में परिवार का दास हो जाएगा, और कुछ नहीं तो कुत्ता का दास हो जाएगा, घोड़ा का दास हो जाएगा, बाकी भगवान का दास बस यही हो। दास वो है, दास उनको रह नहीं पड़े। जैसा हम लोग सिविल डिसोबीडियंस किया था आप लोग को मानो है, तो वहां गवर्नमेंट को नहीं मानता, तो गवर्नमेंट को मानता नहीं, सब पकड़ पकड़ के सब जेल में भर्ती कर दिया, अब उधर खूब पीटा गया है, तो दास नहीं मानते, गवर्नमेंट को नहीं मानते, आप ये रूल से मानो। जैसा होता है ये साधारण एग्जाम्पल, तो और एक खुशी से गवर्नमेंट का कानून मानकर हम लोग चले तो जबरदस्ती पुलिस का हाथ में, मिलिट्री का हाथ में हमको जाना नहीं पड़े। इसी प्रकार दास जीव का स्वरूप है दास, जब वो भगवान से विरोध करके वो कहते हैं नहीं दास नहीं है मैं मालिक, उस समय माया उसको पकड़ करके अच्छी तरह से उनका माया का हाथ में जो त्रिशूल है खूब अच्छी तरह से उनको सजा दे। वो त्रिशूल का नाम है
त्रिताप जंत्रणा, तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको वो समझता है जो मैं तो सब दुख नहीं चाहता हूँ, क्यों कि तीन प्रकार के दुख हमारा ऊपर सब समय जबरदस्त बैठ जाता है। ये मनुष्य जीवन का काम है। जैसा सनातन गोस्वामी जाकर के चैतन्य महापुरुष से पूछा था कि आमी कैनो मोरे जापे तापोत्र, महाराज आपके पास है तो गुरु का पास जाकर के यही पूछना है वास्तविक हमारा स्वरूप क्या, और मैं तो दुनिया का कुछ दुख नहीं चाहता हूं, क्यों हमारा ऊपर दुख जबरदस्ती बढ़ जाए, यही पूछना। ये गुरुकरण का अर्थ होता है जिसको समाधान कर। जैसा अर्जुन पहले भगवान कृष्ण से मित्रता हिसाब से बातचीत कर रहा, जब उसका समाधान नहीं हुआ तो कृष्ण को गुरु माना, शिष्य से हम साधिमान प्रपन्नम, जो आपको मैं शिष्य बन जाता हूं, आप हमको उपदेश दीजिए, जिस तरह से ये जो हमारा चंचल मन हो गया लड़ाई क्षेत्र में आकर के हम लड़ाई करने को नहीं चाहता, तो उसका अर्थ इसलिए भगवान ने तो गीता समझा। इसी प्रकार हम लोग को समझना चाहिए कि मैं तो दुख नहीं चाहता हूं, अब किधर से कौन दुख भेज देता है जो कि जबरदस्ती हमको भोगने पड़ता, इसका समाधान क्या, ये जब प्रश्न होगा फिर आस्ते आस्ते वो भगवान का प्रश्न भी आएगा, भगवान से हमारा क्या संपर्क है वो भी समाधान होगा, फिर भगवान का सेवा में लग जाने से हमारा सब दुख मिट जाएगा। इसलिए कलयुग में वो भगवत प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, बड़ा सरल उपाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Na chao se ma.